जय माता दी। दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में पति की पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो बना के दिए हैं आप सबको, और अभी कमेंट जो हैं वो जिस तरीके से भी आ रहे हैं मैं सबका वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो अभी एक प्रश्न आया था कि दीदी, जब हम वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं तो हमें पति की पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, एक ये वीडियो जो है वो ज़रूर बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना कर डाल ही देती हूँ, जिन बहनों को नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। वट सावित्री व्रत में जिस प्रकार करवा चौथ में पूजा हम करते हैं पति की, करवा चौथ में थोड़ी सी बड़ी पूजा हो जाती है, लेकिन वट सावित्री की पूजा जो है वो छोटी सी ही पूजा होती है, बहुत ज़्यादा तामझाम जो है वो नहीं किया जाता है। जैसे वट सावित्री की पूजा जो है वो जो भी माताएं बहनें रखती हैं उनको वट वृक्ष के नीचे सारी पूजा जो है वो कर देनी चाहिए। जब आप कच्चा सूत लेके जाएं, जैसे आपने मेरी सामग्री की वीडियो अगर नहीं देखी है या मेरी पूजा विधि की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारी सामग्री जो है वो मिल जाएगी। उसी में मैंने कच्ची अड़िया के साथ साथ कलावा जो है वो रखा है। तो पूजा करने जब भी आप जाएँ तो कलावा अपने साथ पूजा में ज़रूर लेके जाएं, और वो कलावा कच्ची अड़िया कच्चा सूत जो है उससे तो आपको फेरे लगाने हैं, लेकिन जो आप कलावा घर से रक्षा सूत्र लेके जा रही हैं वो वट वृक्ष के पास ही छुआना है, जहाँ पे मान लीजिए कि आप जो तीनों देव हैं उनका ध्यान कर रही हैं, माता सावित्री का सत्यवान जी का ध्यान कर रही हैं, तो वहीं पर वो कलावा रख के बरगद के जब आप परिक्रमा करती हैं या जब बरगद के गले मिलती हैं, जब पैर छूती हैं, तो वो आपको कलावा जो है वो वहाँ पर ज़रूर छुआना चाहिए। और आपके पति की लंबी आयु हो इस प्रकार से वहाँ पे कामना, वहाँ पे प्रार्थना जो है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए, और वो कलावा जो है वो आपको अपने साथ घर में वापस लेके आना चाहिए। उस कलावा का क्या करना है आज के वीडियो में वो आगे बताऊंगी। अभी तो जब वट वृक्ष की जो पूजा है वो समाप्त हो जाए उसके बाद आपको घर वापस आना है। घर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पति का जो है वो तिलक करना है। तिलक के बाद में आपको के हाथ में जो रक्षा सूत्र है, जो कलावा है, वो बांधना है, और उसके बाद प्रसाद में मिठाई या प्रसाद जो भी आप लेके गए थे वो आप उनको खिलाएं। तो जिस प्रकार से आपने वट वृक्ष के वृक्ष की सेवा की है, जिस प्रकार से वट के वृक्ष की आपने हवा की है, सेवा की है, उसी प्रकार से पंखा जो है वो पति के भी झलना चाहिए, पति की भी सेवा जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद उनको उनके पैर जो है वो छूना चाहिए और लास्ट में उनको दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से पति की जो पूजा है वो की जाती है। साथ ही साथ एक प्रश्न जो है वो और आ रहा था कि वट सावित्री व्रत के दौरान हमें जो सिंदूर है वो अपने पति के हाथों से मांग में भरवाना चाहिए या नहीं भरवाना चाहिए। इस पे जो जवाब है, जो वीडियो है, वो मुझे ज़रूर दीजिए। तो ये भी मैं आपको आज बता देती हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोग आपसे ऐसा बोल देंगे कि पति जो है वो केवल दो ही बार मांग भरते हैं, एक आपकी शादी में, इसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब सिंगार जब किया जाता है तो पति जो है वो मांग भरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको आधी अधूरी जानकारी जो है वो दी गई है। पति के हाथों से अगर आप जो सिंदूर है वो लगवाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, ना तो रोज़ पति को टाइम मिलता है और ना आप रोज़ उनसे सिंदूर भरवा सकती हैं, लेकिन जैसे कुछ खास खास त्यौहार आते हैं, जैसे वट सावित्री हो गई या करवा चौथ हो गया, तीजा का व्रत हो गया, इस प्रकार के जो भी व्रत आते हैं तो आप जो है सिंदूर जो है वो अपने पति के हाथों से बेशक भरवा सकती हैं। अगर आप अपने पति के हाथों से सिंदूर जो है वो मांग में लगवाती हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, आपस में प्रेम बना रहता है। पति जब मांग भरते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मैं तो आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब आपकी शादी की सालगिरह होती है या आपका बर्थडे होता है तब भी आप अपने पति के हाथों से सिंदूर जो है वो भरवा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये देखने में या सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे फ़र्क जो है वो पड़ता है। आप जब सिंदूर भरवाती हैं तो दोनों में स्नेह और प्रेम जो है वो जीवन भर बना रहता है।
और जो घर में लड़ाई झगड़े हैं वो कभी नहीं होते हैं। तो आप जब भी कुछ खास त्यौहार आएँ, खास करके वट सावित्री व्रत, करवा चौथ या तीज वगैरह आएँ, तो आप अपने पति के हाथों से सिंदूर भरवा सकती हैं। दोनों में प्रेम जो है वो बढ़ता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। आप मन में ये चीज़ें बिल्कुल ना डालें कि किसी ने आपसे बोल दिया है कि पति केवल दो बार, ऐसा कुछ नहीं होता है। पति मांग भरते हैं तो पति का जब सिंदूर, जब उनके हाथों से सिंदूर लगता है तो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो बेशक आप इस दिन सिंदूर जो है वो लगवा सकती हैं, लेकिन आप उनके ऊपर दबाव ना डालें। उनकी इच्छा हो तो आप ज़रूर लगवाएं, अपने आप से ना बोलें। पता चले बहुत सारी बहनें सिंदूर की जो डिब्बी है वो ले लेके घूमें, सुनिए हमारे सिंदूर लगा दीजिए, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर उनकी इच्छा है तो आप ज़रूर लगवाइए सिंदूर, और मन में कोई भी जो है वो दूसरी भावना या गलत विचार जो है वो बिल्कुल मत लाइए। सिंदूर लगवाइए और अपना जीवन जो है वो सुखमय बना लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे और वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई प्रश्न है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों, जय माता दी।